गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने 250 मिलियन डॉलर की अद्वियात बरामद की। अब तक पाकिस्तान 300 मिलियन डॉलर की अद्वियात अफगानिस्तान, अफ्रीका ममालिक नाइजीरिया, केनिया, युगेंडा, सेंट्रल एशिया के ममालिक वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अरब ममालिक, यमन, इराक को बरामद कर चुका है। इन अद्वियात में ज्यादातर एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक, जिगर की बीमारियों की अद्वियात शामिल है। मशरक़ी यूरोप के मुल्कों में भी पाकिस्तानी अद्वियात की बरामद हो रही है। अफगानिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ना होने के बराबर है, इसलिए अफगानिस्तान की अद्वियात की ज्यादातर जरूरत पाकिस्तान पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में आकर पाकिस्तान की केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन पर नारवा रेगुलेशंस का निफास किया जा रहा है। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मल्टीनेशनल कंपनियों को इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी मसनूआत की कीमतों पर रिटेलर्स को 15% या इससे कम प्रॉफिट मार्जिन दे, जबकि इंडिया, बांग्लादेश और इलाके के मुख्तलिफ मुल्कों के अलावा दुनिया भर में केमिस्ट और ड्रगिस्ट का प्रॉफिट मार्जिन 25-40% है। अमरीका यूरोप के मुल्कों में 30-40% प्रॉफिट मार्जिन है। पाकिस्तान में मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों का मार्जिन 50-80% है। इनकी प्रोसेसिंग उनकी ख्वाहिश पर हो जाती है, जबकि वो अपने ब्रांड नेम की अद्वियात पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स इदारों से बनवा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बेसिक सवाल ही करूंगी, सर किल्लत की वजह क्या है? बहुत शुक्रिया जी। किल्लत की वजह पाकिस्तान में जिस तरीके से पिछले एक साल में आपने देखा कि डॉलर इंक्रीज हुआ, तकरीबन 70-80% डॉलर इंक्रीज हुआ, और दुनिया में हर जगह जो मेडिसिन की प्राइसेस है, खासकर अमेरिका तक भी कंट्रोल नहीं होती हमारी प्राइस, क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कंट्रोल करती है, तो हम खुद से प्राइस नहीं बढ़ा सकते। तो जब डॉलर इंक्रीज हुआ तो उसके 3-4 इफेक्ट आए, मैं थोड़ा सा उसमें वजाहत कर दूँ। उसमें ऑयल भी इंक्रीज हुआ, और उसके व्याप पे आप देखें कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस भी बढ़ गए, उसके साथ साथ हमारे इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ गए, गैस के चार्जेस बढ़ गए। अच्छा, वो तकरीबन 100 टाइम आप ये देखें कि कम से कम भी डबल हो गई हर चीज़ जो भी हमारे पिछले साल कास्ट थी। अच्छा, प्राइस क्योंकि हमारे ऊपर कैपिंग थी, हम खुद से इंक्रीज कर नहीं सकते थे, तो हमने लास्ट ईयर ड्रैप को इवन देन आज से तकरीबन 8-9 माह पहले जब मैं चेयरमैन था तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी 40% इंक्रीज की उस वक्त, क्योंकि डॉलर रेगुलर पिछले 1.5-2 साल से रेगुलर इंक्रीज हो रहा था, तो उसके बावजूद उन्होंने हमारी प्राइस इंक्रीज ना की। अच्छा, हुआ क्या कि जो भी जो हमारी लो प्राइस की मेडिसिन थी, जो जिनके ऑलरेडी मार्जिन भी हमारे बहुत माइनर से थे, वो मार्केट में हम प्रोवाइड कर रहे थे किसी ना किसी हवाले से, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हुई, कॉस्ट इंक्रीज हुई, सारी चीजें इंक्रीज हुई, हर चीज बढ़ी, तो उसका इफेक्ट आया हमारी प्रोडक्ट पे। जब प्रोडक्ट पे इफेक्ट आया तो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की प्राइस हमें 100 रुपये मिली हुई थी, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसकी कॉस्ट चली गई 150 रुपये, तो डेफिनेटली वो कोई भी इंडस्ट्री उसको बना नहीं सकती, अपनी कॉस्ट पे तो मेडिसिन नहीं बनाएगी, तो वो मेडिसिन ग्रेजुअली शॉर्ट होनी शुरू हो गई। फिर हमारी नेगोशिएशन हुई और गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने एक मेहरबानी फरमाई कि बजाय इसके कि 40% पे, एक साल पहले हमने प्राइस मांगी थी, उन्होंने हमें 14% प्राइस इंक्रीज दी लास्ट मंथ, जो कि 7% पॉलिसी के तहत हमें वैसे ही जुलाई में मिलनी थी, क्योंकि हमारी ऑलरेडी फार्मा की जो पॉलिसी आई है। सब होना तो ये चाहिए कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं कम से कम उनकी अवेलेबिलिटी लाजमी हो, ताकि ये जो मुश्किलात दरपेश होती हैं इनसे बचा जा सके। अब जो ड्रैप है या ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या गवर्नमेंट है, ये तमाम स्टेक होल्डर्स क्या इस सिलसिले में कोई मुशावरत कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं ताकि इस मुश्किल से लोगों को निकाला जा सके? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया और आपने सही पॉइंट आउट किया कि लाइफ सेविंग ड्रग हर हालत में मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि इंसानी जान बचाने के लिए जब जरूरत पड़ती है मेडिसिन की, खुदा न खास्ता मेरे घर में भी पेशेंट है, आपके घर में भी, हर घर में कोई ना कोई पेशेंट होता है, लेकिन मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमने सारी कॉस्टिंग दी उनको, वो प्रोडक्ट जो कि देखें, हार्ट की मेडिसिन शार्ट हुई, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शार्ट हुई, शुगर की मेडिसिन शार्ट हुई, आई ड्रॉप शार्ट हुए, इवन दैन कैंसर की मेडिसिन शार्ट हुई, और ये वो सारी हैं जो कि रेगुलर पेशेंट खाता है, ब्लड प्रेशर की भी रेगुलर खाता है, हार्ट की भी रेगुलर खाता है, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस पर उस तरीके से फोकस नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। मैं आपके तवज्जो से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी कंप्लेन रेगुलर जारी है, हमारी नेगोशिएशन हो रही है। ये भी फरमाइएगा कि कुछ एलसीज ना खुलने का मसला भी आ रहा था, जो मैन्युफैक्चरर्स से उनका ये कहना था कि एलसीज नहीं खुल रही, खाम माल अवेलेबल नहीं है, ये मसला किस हद तक खत्म हो सका है? जी जी, वो तो एक गवर्नमेंट का इसमें बड़ी फेवर की थी उन्होंने, जब एलसीज पे हमारी उनको उन्होंने पाबंदी लगाई थी, तो फिर 3 माह बाद एज अ स्पेशल केस फार्मा को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, उसकी एलसीज हमारी खुलनी शुरू हो गई थी।
लेकिन बात फिर वही आ जाती है, एलसीज का इफेक्ट तो था लेकिन अब वो नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो ये है कि जो कास्ट हमारी 150 पे चली गई इस प्रोडक्ट की, वो हम कैसे बनाएं, गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा अब एक बात बताऊं आपको मैं, अगर यही हालात रहे तो बहुत सारी इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो चुकी है। मैं आपको ये भी बताऊं, अच्छा, जो मीडियम क्लास इंडस्ट्री थी वो थोड़ा बहुत अपने आप को चला रही है, और जो लो क्लास थी जिनके बिल्कुल सेले पिलाए बुराए नाम थी, वो इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो चुकी है। अच्छा उस इंडस्ट्री बंद होने से नुकसान क्या हो रहा है, और अगर मीडियम क्लास भी बंद हो जाती है, फिर आ जाती है जो हमारी टॉप 100 कंपनीज है। अच्छा उनमें से भी अगर वो 500 प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे थे तो 100-150 प्रोडक्ट ऐसी है जो इस वक्त उन्होंने मार्केट से ऑफ कर दी है। अब ऐसी सूरत में मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जो इस वक्त सूरत हाल है, हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि फौरी तौर पे हमें प्राइस इंक्रीज मिले कम से कम भी 40-50%, ताकि हम मार्केट में मैच कर सके उन प्रोडक्ट को जो इस वक्त बेसिक